हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक अलग ही तरीके से साबूदाना का एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा फराली वड़ा बनाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं साबूदाना का वड़ा। 1 कप साबूदाना को बाउल में डाल देंगे। पानी डाल के इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेते हैं। हल्के हाथ से इस तरह से साबूदाना को मस लेंगे ताकि साबूदाना के ऊपर का पाउडर निकल जाएगा। इस तरह से वाइट पानी दिखेगा तब तक हमें साबूदाना को धोना है। ये पानी हम निकाल देंगे और 2 बार पानी से धो लेते हैं। इसे 3 बार पानी से धो लिया है। इस तरह का साफ पानी दिखे तब तक हमें साबूदाना को धोना है। ये पानी भी हम निकाल लेते हैं। पानी डाल के साबूदाना को भिगो के रखेंगे। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, साबूदाना डूबे उतना ही यहाँ पे पानी डालना है। आप देख सकते हैं 3/4 कप जितना पानी मैंने डाला है उसमें। ढक्कन लगा के इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। अदरक और हरी मिर्ची का मसाला बनाएंगे। 3 फ्रेश लाल मिर्च ली है, ये थोड़ी सी तीखी वाली है, और 2 हरी मिर्ची, ये थोड़ी कम तीखी वाली है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। अदरक को चॉप करके डाल देंगे और इसकी एकदम रफली पेस्ट बनाएंगे। आप चाहे तो अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और हरी मिर्ची को एकदम बारीक कट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हरी मिर्ची की और अदरक की रफली पेस्ट बना ली है इस तरह से। 2 बड़ी साइज का आलू 350 ग्राम से 375 ग्राम जितना है। इसे मैंने उबाल के ठंडा करके इसका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आलू एकदम ठंडा हो जाए इसके बाद ही इसे कद्दूकस करना है। हरी मिर्ची और अदरक का मसाला बनाया है, पूरा डाल देंगे। मूंगफली को भून के इसका छिलका निकाल के रफली पाउडर बनाया है। ये 1/2 कप मूंगफली का पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून सिंधा नमक डालेंगे, या सिंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून तेल, अगर आप तेल नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रफली कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डालना है। मैंने छोटा नींबू लिया है तो मैं 1.5 नींबू का रस डाल रही हूँ। अब बड़ा नींबू ले तो 1 ही नींबू का रस डालें। इसमें हम जीरा का तड़का डालेंगे। तड़का पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1.5 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भुनेंगे। 2 स्ट्रिप करी पत्ता लिया है, इसे हम हाथ से तोड़ के डालेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। इस तरह से करी पत्ता डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तड़का अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला सब आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 टेबलस्पून फ्रेश नारियल कद्दूकस करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। साबूदाना को 6 घंटे के लिए भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से साबूदाना भीग गया है और इसका दाना भी कितना बड़ा हो गया है और एकदम अच्छे से भीग गया है साबूदाना। और आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई लग रहा है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का साबूदाना हमें भिगो के लेना है। अंदर डाल देंगे साबूदाना, आलू के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से ये चम्मच से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मुझे सिंधा नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट करें फिर बाद में नमक डालें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ पे थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसका वड़ा बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ा चपटा वड़ा बनाएंगे। इस तरह से वड़ा बना के रेडी कर लेते हैं। वड़ा बना के रेडी कर दिया है। इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फराली हरी चटनी बनाएंगे। फ्रेश नारियल का छिलका निकाल के कद्दूकस करके 2 टेबलस्पून लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। मूंगफली भून के इसका छिलका निकाल के पाउडर बनाया है, ये 2 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसे हम चॉप करके डाल देंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे।
हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डाली है, आप दो मिर्ची भी डाल सकते हैं। आधी टीस्पून सिंधा नमक, या सिंधा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, आधी टीस्पून जीरा, एक आइस क्यूब डालेंगे ताकि चटनी का कलर हरा रहेगा। एक कप हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। 2 टेबलस्पून दही डालेंगे, ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी को ग्राइंड कर दिया है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। फराली चटनी रेडी है। तेल गरम करने के लिए रख दिया है और गरम हो गया है, हम इसमें वड़ा डाल के फ्राई कर लेते हैं। एक साथ में बहुत ज्यादा वड़ा नहीं डालना है, नहीं तो आपस में चिपक जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे टर्न करेंगे, पलट लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे पलट लेना है। इस तरह से थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हमें इसे टर्न कर देना है। वापस इसे टर्न कर देंगे, इस तरह से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। वड़ा का बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी भी बन गया है। इसे हम निकाल लेंगे, एकदम क्रिस्पी वड़ा बना है। इस तरह से हम बाकी का वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। साबुदाना का वड़ा रेडी है, वड़ा एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बना है, साथ में हरी चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।